सवाल है, पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में पीके डायरेक्ट इंटरफेयर? भैया अब राजनीति है, चुनाव है, सभी लोग इंटरफेयर करते हैं। सबसे ज्यादा गुंडा तो एबीपी है जो सबसे ज्यादा मारपीट किया। एबीपी धन बल का काम करती है, सब जगह पैसा से खरीदती है, कोई एक व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एबीपी ने सबको मरवाया। काहे भैया ये एबीपी से बड़ा कुकर्मी कौन है? कौन क्या करता है, किस काम से? उपाध्यक्ष है प्रशांत किशोर जी किसी पार्टी का, अब वो कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं करने बैठे। आप पॉलिटिकल वे में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो जाने। परोक्ष रूप से करता तो सब है, वे उनका क्या है उससे पूछिए ना। लेकिन छात्रों के हित की बात नीतीश जी या विपक्ष जी या सरकार जी के मुंह से शोभा नहीं देते, क्योंकि इन लोगों ने कोलैप्स कर दिया। कोई भी आज जो आत्महत्या किया छात्र, उसके बाद क्या बचता? लाठी गोली चलाते हो, यूनिवर्सिटी के लिए भीख मांगते हो, ये तो शौचालय नहीं पटना यूनिवर्सिटी को मिले। मूल्य समाप्त हो गए, कैलेंडर समाप्त है, टीचर्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। आप उम्मीद करते हो रोजगार खत्म हो गई, 15 साल एक भाई और आप रोजगार की बात करते हो। इसलिए लड़ाई आर पार की है, इन सत्ता पक्ष और विपक्ष के मुंह से छात्रों को शोभा नहीं देता, और सबसे बड़ा गुंडा ही एबीपी।